सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक बाइक चेक वीडियो होने वाला है, जैसे मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में इसी साइकिल का होने वाला है, तो ठोक दी दिया था। बाकी अब मिला देता हूँ आपको मेरी नई साइकिल से, तो लेट्स गो, देखते हैं क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं इसमें। सो My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You... So, भाई लोग सीधे आते हैं बात पे। So, ये रही Firefox Wiper। पहले हम करते हैं बात फ्रेम की। इसमें लगा हुआ है 15 इंच alloy फ्रेम, 6061 का alloy फ्रेम लगा हुआ है। हार्डटेल फ्रेम में अच्छा रहता है स्टंट राइडिंग के लिए। सो अब आते हैं फोक पे। फोक इसमें लगा हुआ है जूम का डबल क्राउन सस्पेंशन, बहुत ही तगड़ा वाला सस्पेंशन है। सो अब आते हैं हैंडल बार पे। हैंडल बार इसमें लगी हुई है 760 mm हैंडल बार, काफ़ी सही रहती है स्टंट राइडिंग के लिए। और आगे लगी हुई है MT201 ब्रेक, पीछे लगी हुई है सिंपल ब्रेक लगी हुई है, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। अब आते हैं व्हील सेट पे, फ्रंट वाले व्हील सेट पे आते हैं। आगे लगा है रैलसन का टायर, राउंड ग्रिपड होते हैं, अच्छे रहते हैं स्टंटिंग के लिए। और हब लगा हुआ है योंगलिंग का, अच्छी कंपनी है, ये भी चाइनीज़ ही है लेकिन अच्छी है। और ट्रैक्टरों के रोटर लगे हुए हैं। ड्राइव ट्रेन पे आते हैं, ड्राइव ट्रेन में लगा हुआ है 7 स्पीड का रिव्हील, और टर्नी का लगा हुआ है डिलेलियर, सामने से लगा हुआ है 3 स्पीड का अलॉय का क्रैंक। पैडल जो है वो भी अलॉय के ही है, वो भी सही रहते हैं। शिफ्टर जो है ये वाला शिफ्टर, वो भी टर्नी का है, शिमैनो टर्नी। और सीट जो है, सीट फायरफॉक्स की ओरिजिनल सीट है, सीट पोस्ट टू वीट पोस्ट इसका फायरफॉक्स का, ये ओरिजिनल ही है। बाकी और क्या कह रहे हैं, और पैक्स जो है वो हमने बनाए, ये चेक करो, कुछ वेल्डिंग पेल्डिंग करके हमने बना लिए पैक्स। सो स्टेम लगा हुआ इसका स्काई राइडर का, शॉर्ट स्टेम है 31 कुछ mm का है। बाकी ये बहुत हैवी स्टेम है, इसमें जो है छोटी वाली हैंडल बार लगती है, ये वाला बड़ी हैंडल बार के लिए सपोर्टेड नहीं है। अब तो हेडसेट इसको ओरिजिनल फायरफॉक्स का हेडसेट लगा हुआ है अंदर से। सो बॉटम ब्रैकेट जो है वो शिमैनो का लगा हुआ है, अंदर से जो बॉटम ब्रैकेट रहता है वो शिमैनो का लगा हुआ है। चेन जो है वो KMC की 8 स्पीड चेन लगी हुई है, थोड़ी सी काट करके 7 स्पीड बना ली है। रिम जो है वो डबल वार रिम है, वो अलॉय रहते हैं, अच्छे रहते हैं लीन करने के लिए। बाकी ये थोड़ा सा बेसिक ही है, अब मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब कुछ बोल दिया। और टायर की बात की जाए तो टायर इसमें रैलसन के टायर लगे हुए हैं। सो भाई लोग, यही था बाइक चेक का वीडियो। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, सॉरी लाइक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस गधेड़े को चेक करो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ। अब कॉस्ट की बात की जाए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं कॉस्ट बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आपके लिए रहेगी, गेस करना क्या रहेगी इसकी कॉस्ट। बहुत बंदे कहते हैं तो झूठ बोलता है, ऐसी इतने में नहीं हो जाती है, तो आप ही गेस करके बोलना क्या कॉस्ट क्या रही। सो लेट्स गो। से ऊपर देखो फ्लाइंग ओनली बेस्ट क्लास, काला जादू करे कलम मेरी, कॉल इट विचक्राफ्ट। कितने गाने लिखे ही नहीं, आई डू फ्री स्टाइल, कितने गाने डाले ही नहीं, भरे कितने पड़े ट्रैप।